लाहौर से चला आ रहा था ये सिलसिला, वो बहावलपुर तक पहुंच गया, हमारी हवेली में आ गया और तुम लोगों ने कानो कान खबर नहीं दी। और ये फकीरा इस चंडौलनी को तो सर मुंडवा कर इसे मैंने। फकीरा की कोई गलती नहीं अम्मी जी, वो तो बस माही की मोहब्बत में मजबूर। माही की मोहब्बत, और जो सारे खानदान में इज्जत डबोने चली थी उसका क्या? गलती हो गई अम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि माही की छोटी सी शरारत बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो घर तक ही पहुंच जाएगा। माफ कर अम्मी जी, माफ कर। तुम्हें माफ करने से क्या होगा, मसला हल हो जाएगा। नाजिम शाह को नहीं जानती क्या, उसके सर पे खून सवार है, कुछ ना कुछ करके ही दम लेगा। और अगर सिकंदर के घर तक बात पहुंच गई तो जानती क्या, एक बार फिर माही घर बैठी रह जाएगी, एक बार फिर सुहागन बनने से पहले घर उजड़ जाएगा उसे। नहीं जाती थी तू? नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसा हो, उसको तो मेरी भी खुशियां लग जाए। माही भी पसंद करती है उस लड़की को, उसने कभी भी खुलकर ये बात नहीं की, लेकिन सच यही है, माही को तैमूर से शादी से पहले ही फरहाद से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत देर बाद हुआ। अल्लाह, ये लड़की क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी? तुम तो अकलमंद थी, तुमने क्यों नहीं समझाया उसे कि मखमल में टाट का पैवन लग सकता है पर हमारे खून में किसी कमतर का खून शामिल नहीं हो सकता। नस्लों से यही होता चला है। माही ने ये कुर्बानी देने का फैसला पहले ही कर लिया था मुझे, वो उसे यही कहने गई थी कि वो यहां से चला जाए। अब वो यहां से जाना भी चाहे तो नाजिम शाह इतनी आसानी से उसे जाने